हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लोग गर्मी को देखते हुए आज शरबत बनाया जाए। जब मेहमान घर में आते हैं तो सोचना पड़ता है कि क्या दें, तो तुरंत इसको बना के एक मिनट में चम्मच से घोल के आप दे दीजिए। आप भी बाहर से आइए, धूप से तुरंत इसको बना के पी लीजिए। तो आज मैं ऑरेंज का शरबत बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही मुश्किल से 10 मिनट में बन के। चलिए आप शुरू करते हैं। ये केवल दो ही सामान से बनेगा, एक ऑरेंज रहेगा और एक चीनी। अब इसको 5 ऑरेंज मैं ली हूँ, अब इसको छिल के इसका रस निकाल लिया जाएगा। तो इसको चाहे तो आप छिल के मिक्सी में निकाल लें, चाहे तो हाथ से निचोड़ के निकाल लें। और इस कटोरी से एक कटोरी ऑरेंज का रस रहेगा और 4 कटोरी चीनी हमको लेना है, फिर हम बता रहे हैं। अब इसको पहले छिल लिया जाएगा और छिलने के बाद से इसको हम बीज निकालने के बाद मिक्सी में रस निकाल लेंगे। इसको ऐसे करके अब इसको अलग अलग करके अब इसका ये बीज हम चाकू की सहायता से, ये देखिए, इसको धीरे से हम चाकू की सहायता से इसमें से बीज निकाल देंगे। क्योंकि बीज पिस जाएगा तब तीतापन आ जाएगा, उससे तीता लगने लगेगा। ये बीज सब हम निकाल निकाल के अलग कर देंगे। देखिए अब इसका बीज निकाल दिए हैं, सब बीज निकल गया है। अब इसको मिक्सर में डाल के और इसका रस निकाल लेंगे। इस कटोरी 4 कटोरी चीनी, 1 कटोरी रस, यही हमको रखना है। इस बर्तन में चीनी हम डाल दे रहे हैं। अब देखिए इस बर्तन में चीनी रख दिए हैं, अब इसमें रस निकाल दिए हैं। ये कितना सुंदर, ये देखिए कितना बढ़िया रस निकल गया है ऑरेंज का ये। अब इसमें हम चीनी में डाल देंगे। डालने के बाद से इसको 3 दिन के लिए हमको छोड़ देना, इसी तरह से पंखे में इसको एक पतले कपड़े से ढक के और 3 दिन के लिए इसमें यही इसी में छोड़ दिया जाएगा। और ये सब चीनी और रस सूख के एकदम बहुत बढ़िया बन जाएगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा कभी कभी हम चलाते रहेंगे, इसी में गल जाएगा ये। अब बहुत ही बढ़िया शरबत बन गया, तीसरे दिन तैयार होता है। अब ऐसे ही हम रख के एक पतले कपड़े से ढक देंगे, पंखे में सूखता रहेगा ये और सब सोख लेगा चीनी। देखिए इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा फ्रूट कलर डाल दें, ऑरेंज कलर का, और नहीं चाहें तो मत डालें। घर में पीने के लिए तो वैसे ही बना दिया जाता है, लेकिन देखिए इसमें बहुत ज़रा सा एक चुटकी हम डाल रहे हैं, ज़रा सा, और इसे थोड़ा सा कलर आ जाएगा। ज़्यादा नहीं डालना, बहुत ज़रा सा डाल के छोड़ दें। 3 दिन बाद ये एकदम सूख के तैयार हो जाएगा। अब देखिए 3 दिन बाद ये सूख के बिल्कुल पंखे में इस तरह से हो गया। देखिए एकदम सूख गया, देखिए ये खनखना रहा पूरा, ये तैयार हो गया हमारा। अब हम इसको क्या करेंगे, मिक्सी में चला के पाउडर बना लेंगे, तब उसके बाद से आपको दिखा रहे हैं कि तुरंत शरबत तैयार हो जाता है। एक गिलास पानी में डालिए, एक चम्मच और घोल के पिलाइए अपने मेहमानों को। देखिए ये मैंने पीस के तैयार कर दिया है, बहुत सुंदर पाउडर देखिए बन गया, बहुत बढ़िया। देखिए ये अब ये गिलास में हम इतना पानी लिए हैं, थोड़ा सा कम जगह छोड़े हैं। और इसके बाद से देखिए, ज़्यादा अगर पसंद हो मीठा तो 2 चम्मच डालिए, और हल्का पीना हो तो एक चम्मच या 2 चम्मच डाल दें। और डाल के इसको ऐसे खाली चला दें। कितना सुंदर शरबत बन के तैयार हुआ, और कितना आसानी से जब कोई मेहमान आवे तुरंत। अब इसके बाद से हमको ये डाल देना आइस क्यूब, ये आप डाल दें आप इसमें। इसी तरह इस गिलास से भी बना लें, हम तो एक ही गिलास बनाए हैं। देख कलर कितना सुंदर आया है, अब बहुत ही मीठा तैयार हुआ है। अब अपनी पसंद के अनुसार इसे ज़्यादा या कम आप डाल सकती हैं। अब इसको एक डिब्बे में बंद करके रख दिया जाएगा, ये फ्रिज में डाल देंगे, पड़ा रहेगा। बाहर भी आप रख सकती हैं, लेकिन फ्रिज में इस डिब्बे में बंद डिब्बा है, इसमें बंद करके हमको रख देना है। और ये शरबत तैयार हो गया है। इसी तरह से आप लोग बनाइए और अपने मेहमानों को पिलाइए, खुद पीजिए। और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमको भी आप लोग आगे बढ़ाइए।